सो राम राम सारे भाइयों को, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हम जा रहे हैं मारुति टेंपल। जाने का कहीं और प्रोग्राम था मेरा, लेकिन बारिश की वजह से आज कहीं जाया नहीं गया, इसलिए पास में था तो यहाँ चलते हैं। ये भी अभी दिखाया नहीं मैंने आपको, काफ़ी अच्छा मंदिर है। अभी चलते हैं, वीडियो में बने रहें और देखना कि कैसा व्यू वहाँ का आता है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, देखते हैं क्या कुछ नया मिलता है वहाँ देखने के लिए। और जो कल का भाई ब्लॉग आएगा वो इससे भी हट के आएगा काफ़ी। कल भाई हम चलेंगे अगोड़ा फोर्ट, कल वो भी दिखाएंगे और आज का भी ब्लॉग पूरा देखना। चलो चलते हैं, बने रहे वीडियो में। चलो भाई देखो अपने क्या। सो भाई बारिश आ चुकी है, लेकिन चलते हैं अभी आगे यार। बारिश का तो यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ नहीं था और एकदम से यहाँ पे बारिश आ गई है। आगे आपको दिख रहा होगा पहाड़, तो चलते हैं अभी आगे। सो गाइज आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ का। बारिश पड़ रही है और सामने पहाड़ है और प्यारे प्यारे से घर हैं इधर से, आप देख सकते हैं मंदिर। अभी आगे चल के दिखाएंगे आपको इसका व्यू भी। सो भाई ये नीचे से आप मंदिर का व्यू देख सकते हैं, अभी चलते हैं ऊपर। भाई चढ़ाई तो बहुत है, लेकिन चलते हैं, बने रहे वीडियो में। इधर से भाई मंदिर का रास्ता है, अभी सीढ़ियों से चलते हैं। भाई ये क्या है? सो भाई अभी काफी ऊपर जाना है और बहुत ढाल है और काफी थकान भी हो गई, काफी ऊपर आया हूँ मैं। बाकी आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, काफी प्यारा व्यू आ रहा है। अभी बारिश पड़ के रुकी है, कई दिन से यहाँ कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, कल भी हो रही थी और आज भी बारिश यहाँ हो रही थी। वो भी चलते हैं भाई अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को भी। ये मेरे पीछे सीढ़ियाँ हैं, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेंगी, तो चलते हैं। बहुत ऊपर जाना है भाई, पर कोई नहीं यार, चलते हैं। बारिश की वजह से यहाँ पहाड़ियों पे भी फिसलन सी हो रही है, देख के चलना पड़ेगा कभी मैं नीचे गिर जाऊँ। यहाँ से आप पीछे का मेरे व्यू देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। ओ भाई सांस भी भाई चढ़ने लगा यार, और अभी मौसम साफ है, लेकिन बारिश का कुछ कहा नहीं जा सकता यार, किसी भी पल यहाँ बारिश आ सकती है। को जरा सबर करो। सो भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ फिसलन बहुत हो रही है, और ये पीछे आपको लड़की दिख रही है अभी पहाड़ियों पे से रपट के नीचे गिरी है, इसके चक्कर में। अभी आ चुके हैं भाई ऊपर, अभी इससे भी भाई और ऊपर जाना है अभी। और यहाँ से भाई आप नज़ारा देख सकते हैं, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। लुक एट द व्यू, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइज, अमेजिंग। अभी तो भाई यहाँ बारिश हो रही थी, ठंड लेकिन अब भाई गर्मी लगने लगी है। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं नीचे का, काफी प्यारा व्यू आ रहा है। और इधर से मंदिर का व्यू है। और ये इधर ऊपर पहाड़ पे जाने का रास्ता है, और ये इधर मंदिर का व्यू आ रहा है। और इधर से आप देखें नीचे का ये पहाड़ियों का व्यू, और ये नीचे का व्यू आ रहा है, नीचे खाई भी है बहुत खाई। सो भाई अब चलते हैं ऊपर, बने रहे वीडियो में। सो भी चलते हैं भाई ऊपर, अभी और पहाड़ी चढ़नी है यार, बहुत है भाई अभी तो। जिस भाई ने भाई इससे पिछला ब्लॉग ना देखा हो, भाई इससे पिछला ब्लॉग भी देख लेना, वो भी काफी हटके था। और जो कल का ब्लॉग आएगा वो भी भाई काफी हटके ही आएगा भाई। वहां से तो इतना प्यारा नजारा नहीं दिखा होने का, यहाँ से देख सकते हो आप, लुक एट दैट। लास्ट वीडियो में मैंने पुल का ब्लॉग बनाया था, वो जिसने भाई ने वो ब्लॉग ना देखा हो जाके वो वाला ब्लॉग भी भाई देख लेना, वो ब्लॉग भी काफी इंटरेस्टिंग है। और भाई सांस चढ़ चुका है, लेकिन आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं गाइस, ये व्यूज व्यू यहाँ से आ रहा है ना, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है भाई, देख सकते हो आप,
बहुत दूर दूर तक का दिख रहा है यहाँ से, बहुत ऊंचाई पे हूँ मैं। ओ भाई यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, काफ़ी अलग ही व्यू आ रहा है। और भाई पसीना बहुत आ गया यार, अभी बारिश पड़ के लुकी है लेकिन पसीना आ चुका है, और सांस भी चढ़ रहा है भाई बहुत। वहाँ से आऊँ मैं नीचे से, काफ़ी नीचे से। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर का व्यू दिखाएंगे आपको, लेकिन आप एक बार यहाँ का व्यू देखें पीछे से। कंट्रोल, यू लुक एट द व्यू गाइस, इट्स अमेजिंग। आई एम नॉट एक्सप्लेन एनी वर्ल्ड टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटी, आई नो हाउ। भाई ऊपर चलते हैं, काफी प्यारा मंदिर है भाई। एंड फाइनली यू लुक एट द व्यूज गाइस, जस्ट आई मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एंड फाइनली यू सी दैट द व्यू, आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटी, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। यू सी इट्स अमेजिंग, आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटी, इज अमेजिंग गाइस, वेरी अमेजिंग। काफी प्यारा सा मंदिर है भाई, और यहाँ के नीचे का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। अभी भाई चलते हैं फाइनली ऊपर इधर की साइड। सो भाई यहाँ से आप मंदिर के अंदर का व्यू देख सकते हैं, काफी प्यारा व्यू आ रहा है। अब इधर की साइड चलते हैं, पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, अभी अंदर भी चलेंगे भाई, काफी प्यारा व्यू है गाइस। ये भाई मंदिर के पीछे का व्यू है, अभी चलते हैं नीचे, पीछे का व्यू दिखाते हैं आपको। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, बाहर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं आप। अंदर भगवान जी की मूर्ति है, और यहाँ से आप ये नीचे का व्यू देख सकते हैं, काफी प्यारा व्यू आ रहा है गाइस, बहुत ही प्यारा देख सकते हैं आप इतने ऊपर में। सबसे नीचे की सड़क वो है उधर, कुछ भी नहीं चमक रहा। क्या बोला तूने? इधर की साइड से भी भाई आप व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अभी चलेंगे ऊपर पहाड़ पे भी, वहां का व्यू भी दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं आप, काफी प्यारा व्यू आ रहा है भाई। और जिस भी भाई ने इससे पहला ब्लॉग ना देखा हो ना, एक बार जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग है भाई। और भाई एक शेयर तो भाई बनता है, और कमेंट में बताना भाई कि ब्लॉग कैसा लगा। भाई सच बताऊं, आज मेरा यहाँ ना कोई प्लान था नहीं, मैं कहीं और जाना था, लेकिन आपको आ गए तो आपको यहाँ का मंदिर दिखाया। बताना कमेंट में, काफी प्यारा मंदिर है, आप भी बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो गाइस बहुत ही प्यारा लगा, आप भी बताना आपको कैसा लगा है, कमेंट में एक बार जरूर बताना भाई कि कैसा लगा आपको ये मंदिर, मुझे तो काफी प्यारा लगा है। और अभी चलते हैं नीचे, मजा आया भाई। यहाँ से उतरना बहुत संभल के पड़ रहा है, क्योंकि अगर पैर फिसला ना तो सीधा नीचे दिखूंगा मैं, और पता भी नहीं चल लगा मैं गया कहाँ को। सो वेरी केयरफुल, अब इधर चलते हैं गाइस। एक बार आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं भाई मंदिर का, काफी प्यारा लग रहा है भाई मुझे तो, जैसा मैंने सोचा था उससे भी प्यारा है। लेकिन अभी चलते हैं भाई, अभी आगे बने रहे वीडियो में। सो भाई अभी चलते हैं भाई पहाड़ पे ऊपर, देखते हैं भाई क्या मिलता है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मेरे लिए भी काफी कुछ नया होने वाला है। आप भी बने रहे वीडियो में, स्क्रिप ना करें, देखते हैं क्या कुछ नया मिलता है आज, क्या कुछ रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। काफी अलग ही लेवल का व्यू है गाइस, और बारिश का तो यहाँ पता नहीं किसी भी टाइम आ सकती है,
तो भाई अभी चलते हैं ऊपर। आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, काफी प्यारा व्यू आ रहा है गाइज। और मंदिर दिखाया भाई आपको, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको यहाँ का ये मंदिर। मुझे तो काफी प्यारा लगा भाई। और भाई अभी ढाल बहुत है यहाँ, सांस चढ़ चुकी है। और अभी भाई अभी और ऊपर जाना है, लेकिन हालत हो चुकी है खराब। लेकिन कोई नहीं, चलते हैं, बने रहे वीडियो में, देखते हैं आज क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है भाई। डोंट स्किप द वीडियो, लेट्स। भाई सच्ची बताऊं यार, हालत खराब होगी, इतना ढाल है यहाँ बहुत ज्यादा, ढाल पे होगी हालत खराब। चलते हैं यार अभी। पता भाई यहाँ ऊपर पहाड़ पे आने के बाद एक चीज बहुत ही नई देखने के लिए मिली, नीचे तो कोकोनट के ट्री बहुत हैं, लेकिन यहाँ ऊपर इतने कोकोनट ट्री नहीं है, यहाँ बहुत कम है। एक मुझे तो एक भी अभी देखने के लिए नहीं मिला। और अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे तो आपको इतने मिलेंगे कि पूछो मत। और ऊपर देखने के लिए यहाँ एक भी नहीं मिल रहा भाई। हालत ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, सांस भी बहुत सांस चढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। सो भाई अभी बहुत ऊंचाई पे हूँ मैं, लगभग 8 से 10 हज़ार फुट मीटर की ऊंचाई पर हूँ। और आप मेरे यहाँ पीछे देख सकते हैं सतूतनी का पेड़ है। और ये कोई सीजन है नहीं वैसे फल आने का, लेकिन इसको आप देख सकते हैं सतूतनी आ रही है, ये फंस गया, देख सकते हैं आप ये आ रही है। वैसे कोई सीजन नहीं है ये, लेकिन कोई नहीं अभी चलते हैं भाई आगे, देखते हैं आगे क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है। इधर से आया था मैं, अब सोच नहीं सकते इस टाइम में कितनी ऊंचाई पर हूँ। अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ है भाई, वरना बहुत सांस चढ़ रही थी। चलते हैं इधर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है गाइस। सो भी भाई आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, ये चर्च, बैकग्राउंड से दिखाता हूँ मैं आपको। सो भाई आप चर्च देख सकते हैं, ये 1997 का है, 1997 राउंड का बना हुआ है ये। लेकिन अभी भी डेकोरेशन आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी आ रही है भाई। अंदर जाना भाई यहाँ अलाउ नहीं है, अभी चलते हैं इसलिए नीचे से, बाहर से देख सकते हैं आप, काफ़ी प्यारा व्यू है गाइस। अभी चलते हैं इधर नीचे, बाकी आप पीछे का देख सकते हैं काफ़ी हटके व्यू आ रहा है। और अभी नीचे जाना है, और हवा आ चुकी है बहुत तेज़, बारिश का कुछ नहीं पता, ढाल भी बहुत है अभी, चलते हैं। और अभी मैं अपने रूम से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और मैं वॉक करके आया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि 7-8 किलोमीटर वॉक करके आना और फिर जाना, और वो भी ढाल पे, तो सोच सकते हैं आप कि क्या हालत हो रही होगी भाई। यहाँ से देख सकते हैं भाई साहब कितना ढाल है, गाड़ी भी यहाँ से चढ़ रही है रेंग रेंग के, इतना ढाल है भाई की देख सकते हो। अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है। मैंने कहा था आपसे कि जितनी भी वीडियो आएंगे, अब जितने भी ब्लॉग आएंगे हटके ही आएंगे, एक सब लोग कुछ नहीं आएगा, हर ब्लॉग में नया ही देखने के लिए मिलेगा आपको, हटके ही देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ तुम्हें लग रहा है सामने, समुंदर लग रहा है मुझे सामने, देखते हैं। हाँ भाई सामने भाई समुंदर है, मजेस्टिक प्राइड कैसीनो जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही निकला है भाई, समुंदर के पास ही आ चुके हैं हम। चलते हैं देखते हैं, पॉसिबल होता है तो बीच पे भी चलेंगे भाई, देखते हैं एक बार। अरे कहना क्या चाहते हो, यहाँ से देख सकते हैं भाई आप मजेस्टिक प्राइड कैसीनो का शिप खड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा वो, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था अच्छे से, तो वो ब्लॉग एक बार जाके जरूर देखेंगे। मुझे लगा था कि यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन भाई बहुत नीचे जाना इम्पॉसिबल है, राउंड इम्पॉसिबल सा ही है। सो भी यहाँ देखते हैं आसपास क्या मिलता है हमको, बने रहे वीडियो में, स्क्रिप्ट बिल्कुल ना करें भाई वीडियो को। इधर की साइड से भाई मैं तो देख सकते हो कितना ढाल है भाई, और जब से मैं ऐसे ही ढाल पे आ रहा हूँ, अभी आगे चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है। अभी काफ़ी नीचे आ चुका हूँ, अब पीछे जाना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ढाल है भाई बहुत, नया रास्ता देखना पड़ेगा भाई। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं चीकू का पेड़,
अभी चलते हैं भाई नीचे, देखते हैं कैसे जाना है। नया रास्ता फाउंड करना पड़ेगा क्योंकि पीछे तो जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ढाल है भाई, बहुत ही ज्यादा, आप सोच नहीं सकते इतना ढाल है। चीकू का पेड़ जिस भाई ने ना देखा हो, ये लग रहे हैं भाई। अब इधर से चलेंगे नीचे, तो बने रहे वीडियो में। यहाँ के ना भाई आप घर देख सकते हैं, आपको ऐसे ही मिलेंगे ढालदार है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत पड़ती है और जिसके ऊपर ये खपरेल नहीं है उसके ऊपर छत डालने के बाद टीन डली हुई है बारिश की वजह से, जिससे पानी ऊपर ना रुके। सभी यहाँ जितने भी मिलेंगे ना, मुझे तो अभी तक यहाँ ऐसे ही दिखे हैं, जो वैसे नहीं है उनके ऊपर टीन डाल रखी है कि जिससे पानी ना रुके। चलते हैं आगे, काफी प्यारे प्यारे घर हैं भाई इधर, ये काफी प्यारे प्यारे। और आज मैंने भी यहाँ का व्यू ये पहली बार देखा है भाई, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पहली बार, और आप भी देख सकते हैं भाई बहुत ही प्यारा व्यू है। तो फाइनली भाई 12 से 13 किलोमीटर चलने के बाद ही लोकेशन आता है, ये पीछे का व्यू देख सकते हैं, और अब ये लोकेशन 12 से 13 किलोमीटर बाद चलने के बाद आता है भाई, काफ़ी प्यारा व्यू है गाइस। अभी ऊपर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बारिश आने लगी है थोड़ी थोड़ी, अभी चलते हैं, अभी दिखाते हैं। इसके चर्च के बाहर का व्यू है, ये अंदर चल के दिखाते हैं भाई, बारिश आ चुकी है, चलते हैं अभी ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को भी। ये भाई इसकी सीढ़ियां हैं भाई, ये क्या है भाई, अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि काफी पुराना चर्च है, इसलिए बाहर से आप व्यू देख सकते हैं, और बारिश बहुत तेज पड़ रही है। अभी चलते हैं नीचे, क्या बोला तूने भाई, आप यहाँ का लोकल मार्केट देख सकते हैं, और बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, बहुत ही तेज भाई। आप यहाँ का लोकल मार्केट देख सकते हैं, अभी अंदर मार्केट में हूँ मैं, और अभी चलते हैं भाई आगे। इस लोकेशन पे आने का मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था, कि जाना कहीं और था, पर देखो मैं आया कहाँ, किस लोकेशन पे आया हूँ। अभी आगे का व्यू भी दिखाएंगे आपको, बने रहे वीडियो में। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल भाई, यहाँ का मार्केट है, अभी भी बारिश पड़ रही है। चलते हैं अभी आगे भी, बने रहे वीडियो में। समझ रहे हो भाई, अभी थोड़ी सी बारिश पड़ रही है, अभी पड़ के रुकी है, लेकिन अभी भी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं। और अभी चलते हैं भाई आगे, दिखाएंगे आपको आज अलग ही कुछ नया। ये भाई आप मेरे आगे का व्यू देख सकते हैं भाई, मैंने कहा था आपसे कि मैं जितने भी ब्लॉग अब लेके आऊँगा ना, हटके ही मिलेंगे भाई आपको, काफ़ी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। पर भाई वीडियो अच्छी लग रही तो भाई लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब को मैं किसी को बोल नहीं रहा, किसी का मनो भाई कर लेना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ थारा भाई, अब जितने ही ब्लॉग लेके आएगा ना, हटके ही आएंगे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप आगे के ब्लॉगों में भी, और जितने पीछे के ब्लॉग बने इनसे भी हटके ही आएंगे भाई। चलते हैं भाई अभी आके भी, को जरा सबर करो गाइस। हमें यहाँ कपल मिले हैं फॉरेनर, ये बताएंगे आप हमारी कंट्री का व्यू कहाँ से हैं ये। Where you belong from? I'm from Russia and with my wife, she's also from Russia. And is there baby? Yeah, baby boy. Baby इनके पास है। Baby was born in India. How are you feeling in my country? Very good, excited and protected. I like the people here. मतलब फर्स्ट टाइम ही कमिंग है या सेकंड टाइम? नो, वी जस्ट स्टे हियर फॉर लॉन्ग, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, वी लिव हियर इन द थैंक्स। थैंक यू सो मच। ओके, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सो सो आई एम मीटिंग अ फॉरेनर, आई एम आस्किंग हिम हाउ मच टाइम ही इज स्पेंडिंग इन माय कंट्री एंड हाउ ही फीलिंग कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल। So he's telling that he's coming from the Russia and coming India in my country in first time. So after a very long time walking, I'm coming here to this location. Last video I'm saying to you, I'm see you this location, but for some reason I'm not showing this location.
दिस वीडियो आई एम शोइंग यू दिस ब्यूटीफुल व्यू, कीप वॉचिंग। अभी भाई हवा भी भाई बहुत तेज चल रही है, अभी चलते हैं आके देखते हैं अभी आगे क्या मिलता है। अभी फॉरेनर मिले थे हमने, उनसे भी बात की कैसा हमारी कंट्री का उनका व्यू लगा, और यहाँ का व्यू भी भाई हवा इतनी तेज चल रही है, बहुत तेज देख सकते हैं आप, वो साउंड भी आ रही होगी यहाँ समुंदर की, और लहर भी कुछ ज्यादा ही तेज उठ रही है। लहरी चल रही है, बहुत लंबे समय के चलने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको भी दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है भाई। वाह क्या सीन है गाइस, फाइनली यू सी द क्राउड इन बीच, वेरी ब्यूटीफुल गाइस, लहर बहुत ज्यादा उठ रही है भाई आज। So finally after very long time I am walking to see this view guys, and you also see this view, very beautiful view। और भाई वो पेड़ आया है भाई बह के इतने तेज, यहाँ मतलब पठार उठ रही है वहां से उस आईलैंड पे से उठ के यहाँ ये पेड़ आया है भाई बहता हुआ पानी, देख सकते हैं कितनी तगड़ी पठार आ रही है, पानी यहाँ तक आ रहा है भाई। सो भी भाई चलते हैं उधर की साइड, उधर का व्यू दिखाते हैं आपको, बने रहे वीडियो में। और बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। गाइस यू लुक एट दिट, यहाँ पे एक बहुत ही मतलब बड़ी पठार आई थी, उसकी वजह से यहाँ से उधर आईलैंड पे से बह के ना देख सकते हैं कितना कचरा आया है, कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है गाइस, बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है। अभी आके चलते हैं देखते हैं आगे क्या मिलता है, और बारिश का तो यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी भी टाइम भाई यहाँ बारिश आ सकती है, देख सकते हो आप कितना मोटा पेड़ का गट्टू है पड़ा हुआ है, बुड लकड़ी का बुड है, देख सकते हो जब इतना भारी बह के वहां से यहाँ आ सकता है तो कितना तगड़ा मतलब होगा। व्यू देख सकते हैं गाइस आप, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर देना एक बार, कुछ करना या मत करना लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, और जो कल का ब्लॉग आएगा ना वो इससे भी भाई हटके ही आएगा, ये तो हटके है ही, वो इससे भी हटके आएगा। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ आऊंगा, लेकिन देखो अभी वहां से दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे से मैं पिछली बार मैं वहां से लौट गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आज आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा भाई, बने रहे वीडियो में, स्क्रिप बिल्कुल ना करें। और आप व्यू देख सकते हैं भाई, काफी प्यारा व्यू आ रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारा, हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई आप खुद देख सकते हैं किस कदर का यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, और सब पानी में बह के आया है भाई, रात बारिश पड़ी थी, रात का ये तूफान आया हुआ है, उस तूफान की वजह से आप खुद देख सकते हैं किस कदर का कचरा आया हुआ है, पानी इसके पीछे तक चला गया था पत्थरों के। अभी आके चलते हैं देखते क्या कुछ मिलता है यहाँ पे, और आगे यहाँ पे होटल है भाई, इस होटल से जो व्यू आएगा ना समुन्द्र का अलग ही लेवल का व्यू है, तो जिस भी भाई को यहाँ स्टे करना हो ना वो इसी होटल में करे, क्योंकि जो यहाँ से व्यू है वो यहीं से देखने लायक आएगा। बाकी आप यहाँ का पीछे का व्यू देख सकते हैं, और साउंड वाटर की साउंड तो आप सुन ही सकते हैं, काफी अच्छी साउंड आ रही है गाइस। सो गाइस आई हैव डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटी, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल फॉर इन दिस एरिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस, यू सी द साउंड एंड द बैकग्राउंड एंड साउंड इज वेरी गुड,
feeling very very comfortable in this side. Bye, after I'm going to room, I'm boring, but I'm coming this area, I'm feeling very comfortable, guys. Very very comfortable, I'm feeling relaxed and very happy. If you coming in this area, come this beach. Feeling also very comfortable, guys. अब चलते हैं आगे की तरफ, बने रहे वीडियो में। भाई ये क्या है, चलते हैं पीछे। हवा बहुत तेज चल रही है, बादल उतर पा लग गया, बारिश आने वाली है, इसलिए भी चलते हैं आगे। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। So guys, that is the video of today. I hope you enjoy. See you soon in the next video. Video is very interesting. You watch first this video and next video is coming soon. Just very, very